हम ही मजबूत लोकल राजस्थान के अंदर चाहते हैं, हमारा एजेंडा है पार्टी का और हम प्रयास करेंगे। लोकसभा के अंदर भी राजस्थान के हकों की अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो हनुमान बेनीवाल ने लड़ी। एक अकेला व्यक्ति है, 24 मोदी की जय बोलते हैं, एक राजस्थान की जय जयकार करता है। वो अग्निपथ, किसान, कोरोना, टिड्डी, चाहे आपके दूसरे तमाम मामले हो, चाहे ERCP का मामले हो, तमाम उन मुद्दों को लोकसभा के अंदर रखता है। इसके तीनों विधायक विधानसभा में और सड़क पर संघर्ष करता हुआ कोई व्यक्ति दिख रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की हमने मांग कर ली है 2 दिन से ही। इससे बड़ी विडंबना नहीं कि थाने में बलात्कार हो रहा है, एम्बुलेंस में बलात्कार हो, ये गहलोत और वसुंधरा के राज के अंदर हो रहा है। अभी मेरी कोई बात नहीं हुई उन लोगों से, अभी कोई किसी तरह की उन लोगों से मेरी बात नहीं हुई। कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए जहाँ जहाँ ऐसे चेहरे सामने आए हम उनका विरोध करें, उनको सलाखों के पीछे भी डलवा रहे हैं, लेकिन सही काम जब होगा, जब सरकार के आसपास बैठेंगे या कलम हाथ में होगी, उसी सारा काम होगा, कानून बदल जाएंगे और ऐसे लोग सलाखों के पीछे होंगे। जब हमने मांग उठाई कि ये आपके जो अभ्युदय स्वीकृति नहीं दे रहे हैं कोराइत के अंदर, हमने मांग उठाई, उसके बाद डूंगरगढ़ की रैली में हमने मांग उठाई, उसके बाद कई IAS जो आ रहे थे उनके अभियान सरकार ने दे दी। जब तक सबकी नहीं देंगे हम पीछे छोड़ने वाले नहीं, हम बैठ जाएंगे, राजधानी को घेर लेंगे और सारे काम करा के दम लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज आपने बहुत बड़ी बात कही है कि बहुत जल्द आप उन लोगों के खुला से करने वाले हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के एक दर्जन नेता जो बद्री माफिया के पार्टनर है और जो मेरे खिलाफ जातीय जेर घुड़वा रहे हैं, जिस तरह कई बच्चों को फर्जी IT से लाइव आके जिस तरह जातीय जेर फैलाने का काम कर रहे हैं, उनकी मैं पोल भी खोलूंगा और हमारे पास कुछ दस्तावेज ऐसे भी मिले हैं। ये राजस्थान का ही नहीं देश का सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें कितने लाख करोड़ का बजरी का घोटाला हुआ होगा, जिसमें कांग्रेस भाजपा के बड़े लोग इन्वॉल्व है, इनकी लिस्ट भी आपको देंगे, ED ऑफिस का हम घेराव भी करेंगे और ED को सारे वो कागजात देंगे जिससे कांग्रेस और BJP के नेताओं की पोल खुलेगी। BJP इसलिए चुप है, BJP के एक नेता का बयान तक नहीं आ रहा है कि बजरी के मामले में किस तरह जनता त्राईमाम कर रही राजस्थान का, किस तरह की दुर्दशा राजस्थान की हो रही है, फिर भी BJP के नेता, कांग्रेस के नेता इस बद्री माफिया के साथ 7-स्टार होटलों में आपको दिल्ली के अंदर नजर आएंगे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। लेकिन सर आपने कहा तो क्या उनमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या मंत्री स्तर कई लोग आएंगे, मंत्री स्तर से बड़े लोग आएंगे, उसमें मंत्री तो आएंगे, कैबिनेट मंत्री आएंगे, कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग आएंगे, CMO के, पूर्व CMO, यहाँ के सारे वो लोग आएंगे और आप देखें जब वो लोग आएंगे तब उनके चेहरे जब नकाब हटेगा तब राजस्थान की जनता को पता लगेगा ये है बजरी का खेल, ये बजरी का खेल है, ये रेत का खेल है, लोग रेत ही खा गए, बजरी खा गए, वो धापे नहीं राजस्थान के अंदर। ये आम जनता की कौन सुनवाई करेगा राजस्थान में, आप बताएं जनता की जो हालत हुई है उसके लिए कांग्रेस और भाजपा पार्टी दोनों जिम्मेदार है। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए उस खेत की रखवाली कौन करेगा? ये तो मैं धन्यवाद दूंगा इन लोग यूनियनों को, हमारे लोगों को, सड़क पर लड़ाई लड़ करके और मेहनत करें। हर जिले के अंदर आप जाओगे तो कोई तो मंत्री पार्टनर है, कोई पूर्व सांसद पार्टनर है, कोई विधायक पार्टनर है, कोई विधायक का भाई है तो कोई मंत्री का भाई है, हर जगह की यही स्थिति है। इसलिए मैंने कहा 2, 5, 10 दिन बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ED के अंदर कागज लेके जाएंगे तब हम मंत्रियों के नाम सहित सारा बही खाता इनका खोल देंगे। सर लगातार जो आरएलपी का जो क्रेज बढ़ रहा है, इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के कैसी तैयारी, कितनी सीटों पर? देखिए हमारी जबरदस्त तैयारी है और चूंकि चुनाव राजस्थान का जनता लड़ रही है इस बार, जनता बनाम कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस मुक्त राजस्थान, भाजपा मुक्त राजस्थान, मोदी की किसान जवान विरोधी नीतियां, राजस्थान की भ्रष्टाचार और अपराध और लूट खसोट राजस्थान सरकार की, इन मुद्दों पर चुनाव के अंदर हम उतरेंगे। RLP का हमारा जो एजेंडा है कि टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, आपका कर्ज मुक्त किसान, मजबूत लोकपाल, आपने लोकायुक्त की अगर रिपोर्ट पढ़ी तो मैं आपको कॉपी भेज दूंगा सबको आजकल के अंदर, इसमें 12 FIR दर्ज करने के लिए लोकायुक्त कहता है कि मुखिया के खिलाफ FIR दर्ज करें। वो रिपोर्ट किसको दे रहा है? CM को। तो CM अपने खिलाफ FIR कैसे करेगा बताओ मुझे? तो लोकायुक्त को पूरी शक्तियाँ मिले कि वो खुद ही मुकदमा दर्ज करके कोग्नेस लेके ट्रायल चलाए। हम ही मजबूत लोकल राजस्थान के अंदर चाहते हैं, हमारा एजेंडा है पार्टी का और हम प्रयास करेंगे। लोकसभा के अंदर भी राजस्थान के हकों की अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो हनुमान बेनीवाल ने लड़ी। एक अकेला व्यक्ति है, 24 मोदी की जय बोलते हैं, एक राजस्थान की जय जयकार करता है। वो अग्निपथ, किसान, कोरोना, टिड्डी, चाहे आपके दूसरे तमाम मामले हो, चाहे ERCP का मामले हो, तमाम उन मुद्दों को लोकसभा के अंदर रखता है। इसके तीनों विधायक विधानसभा में और सड़क पर संघर्ष करता हुआ कोई व्यक्ति दिख रहा है
तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है। देखिए पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की हमने मांग कर ली है दो दिन से ही। इससे बड़ी विडंबना नहीं कि थाने में बलात्कार हो रहा है, एम्बुलेंस में बलात्कार हो, ये गहलोत और वसुंधरा के राज्य के अंदर हो रहा है। अभी मेरी कोई बात नहीं हुई उन लोगों से, अभी कोई किसी तरह की उन लोगों से मेरी बात नहीं हुई। कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के किसी के साथ भी हो सकता है। सर बाड़मेर शिवाना में भी इस तरह का पुलिस कर्मी का उससे चेहरा सामने आया जो महिला, देखिए जहाँ जहाँ ऐसे चेहरे सामने आए हम उनका विरोध करें, उनको सलाखों के पीछे भी डलवा रहे हैं, लेकिन सही काम जब होगा, जब सरकार के आसपास बैठेंगे या कलम हाथ में होगी, उसी सारा काम होगा, कानून बदल जाएंगे और ऐसे लोग सलाखों के पीछे होंगे। जब हमने मांग उठाई कि ये आपके जो अभ्युदय स्वीकृति नहीं दे रहे हैं कोराइत के अंदर, हमने मांग उठाई, उसके बाद डूंगरगढ़ की रैली में हमने मांग उठाई, उसके बाद कई IAS और जो RAS हैं उनकी अभियुक्त स्वीकृति सरकार ने दे दी। जब तक सबकी नहीं देंगे हम पीछे छोड़ने वाले नहीं, हम बैठ जाएंगे, राजधानी को घेर लेंगे और सारे काम करा के ही दम लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।